और आपका धन कितना? देखो जी दवाई आप बताएं, मीडिया वाले कहीं दवाई की कमी है, ये हमारा नहीं है सर, दवाई की ये हमारा हमने सारा स्टोर है जहाँ से हम देते हैं, वो बाकी हमारे वो बैक स्टोर है, ये हमने मेन स्टोर रखा हुआ है जहाँ हमने सारी चीजें अभी सर रखा है, ये कंप्यूटराइज हमने सिस्टम भी रखा है, डीवीडीएस में रख रहे हैं, जितनी भी दवाई है सारी थ्रू ऑनलाइन आती है, ऑनलाइन डेंट होते हैं। और मैं कहूँगा कि ये आपके यहाँ बाबू जी हैं, जमील जी हैं, फजील जी हैं, जो रियली में जिन्होंने पहले बारी मैंने ज्वाइन किया था, और मैंने जितने भी स्टोर कीपर्स की मीटिंग ली थी, वीएमओस की मीटिंग ली थी, और मेरे को बोला गया था कि मैंने जब मेडिसिन का पूरा मैंने पूरे डिस्ट्रिक्ट का हवाला करना चाहा, तो जब रिव्यू मीटिंग की तो मेरे को यही बोला गया कि मेन माई प्रायोरिटी थी कि हर एक इंस्टीट्यूशन एक एक सब सेंटर में दवाई जानी चाहिए, और हमने ऐसे मैकेनिज्म बनाए कि इनके एडेंट्स यहाँ से इशू किए और फिर एडेंट वहाँ से रिसिप्ट करवा गए, जो रिसिप्ट वाले जो इंस्टीट्यूट में क्या कि हर एक मेडिसिन इंस्टीट्यूट में पहुंची कि नहीं पहुंची है। तो दिस इज द ब्लॉक, दिस इज द ये नहीं है, दरहाल में हर चीज की कोई कमी नहीं है, स्टाफ की कमी नहीं है, मैन पावर की कोई कमी नहीं है, ओनली लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, लैक ऑफ कमिटमेंट, लैक ऑफ मॉनिटरिंग, बस वही चीजें हैं, अदरवाइज हर चीजें इन प्लेस में है, स्टाफ की कमी नहीं है, डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट भी है, सर्जन है, फिजिशियन है, और यहाँ अल्ट्रासाउंड हो रहा है, एक्सरे हो रहे हैं, लैब टेस्ट सारे हो रहे हैं, हर चीजें हो रही हैं, बट जो मैंने आज की रिव्यू में मीटिंग किया आप देख रहे हैं कि ओनली इस ब्लॉक से मेरे को वॉलंटरली बोला गया कि मेडिसिन की कोई कमी नहीं है, और जब मैंने उन्हीं चीजों को फिजिकली देखा, और वाकई में आज ये कहता हूँ कि हमारे पास मेडिसिन की कहीं कमी नहीं है, और हमारा जितना भी है डीसी साहब की इंस्ट्रक्शन से और हमारे सेक्रेटरी साहब और डायरेक्टर साहब की इंस्ट्रक्शन से जो हमने विंटर प्रिपेयरनेस करनी थी उसके बारे में हम हर इंस्टीट्यूट में रिव्यू कर रहे हैं, उसके बारे में हम सारा सेटल कर रहे हैं, ताकि कंसर्न्स को भी मैंने इंस्ट्रक्शन दिया कि यहाँ सप्लाई जहाँ जहाँ हमारा विंटर जोन जहाँ जहाँ बर्फ स्नोबोर्ड एरियाज है वहाँ सामान भिजवाइए, हीटिंग का भी, मेडिसिन का भी, रेफरल का सिस्टम, हमारे डिलीवरी पॉइंट्स जो है उनको बैकअप कैसे करना है, अपने डिलीवरी पॉइंट्स पे जहाँ जहाँ डिलीवरी हो रही है उनमें कहाँ एंटीनेटल मदर्स को कैसे कवर करना है, और ओल्ड एज पेशेंट्स जो हमारे हैं जहाँ कोई टर्मिनल पेशेंट है, तो ये हमारी इंपॉर्टेंट है विंटर की प्रिपेयरनेस में कि ओल्ड एज पेशेंट्स, एंटीनेटल पेशेंट, टर्मिनल पेशेंट और बच्चा जच्चा, ये चीजें जो है बड़ा इंपॉर्टेंट, इनके लिए हमने प्रिपेयरनेस रखनी है पूरी, ये हेडक्वार्टर में रखनी है और फील्ड में रखनी है, और वहां से हमारा कोई प्रॉब्लम यहाँ से पेशेंट यहाँ भेजने में या वहाँ पेशेंट को मैनेज करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आज का राउंड मैंने किया है, राउंड में आप सब ने भी मीडिया पर्सन आप सब साथ में थे, सारा स्टाफ साथ में है, आपने देख लिया हमारे गैप्स क्या हैं, और मैंने भी गैप्स सारे वर्कआउट कर लिए, और इन गैप्स को हम बड़ी इमीडिएटली कुछ जो गैप्स हम साथ साथ में रिजॉल्व कर रहे हैं, और मैं स्टाफ की मीटिंग लेने जा रहा हूँ, उसमें स्टाफ की भी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सुना जाएगा, और स्टाफ की प्रॉब्लम्स को सुनने के बाद उन गैप्स में हम इमीडिएटली वर्कआउट करेंगे, ताकि हमारा यहाँ सिस्टम जो है अच्छे से चले, पहले भी था लेकिन एक कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं थी, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, लैक ऑफ कमिटमेंट और लैक ऑफ एटीट्यूड, यही चीजें हैं, इन चीजों पे हमें वर्कआउट करना है, और मैं अश्योर करता हूँ कि कोई भी अगर आप सबसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, कहीं कोई मेरा इंस्टीट्यूट बंद रहता, कहीं इंप्लाई नहीं जा रहा है, कहीं बात नहीं मान रहा है, काइंडली डायरेक्ट मेरे को कॉल करिए, डायरेक्ट मेरे को कॉल करिए, डे एंड नाइट 24/7, कहीं तरफ से किसी को भी कोई ऐसी होगी हम पूरा एक्शन लेंगे, इमीजिएट एक्शन लेंगे, ये कोताही नहीं होगी, पेशेंट केयर के चक्कर में हम कहीं भी वो टॉयलेट नहीं करेंगे कि पेशेंट केयर में कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो इसी के साथ मैं सब अभी सारे एम्प्लॉइज का मीटिंग लेने जा रहा हूँ, और हम डिस्कस करेंगे हमारे कहाँ कहाँ क्या गैप्स हैं और उनको हम फुलफिल करेंगे। थैंक यू वेरी मच। पेशेंट अब कोई भी हम कहते हैं रिलीजियस गुरु के पास जाते हैं वो जो समझा देता है ना, उसके अलावा हम हिलते ही नहीं है। टीचर बोल देगा ना ए फॉर एप्पल ही है तो एप्पल ही है, पेरेंट्स कुछ भी बोलेंगे नहीं मानेंगे, तो डॉक्टर जो कह लेगा पेशेंट कभी भी अपने आप को रिस्क नहीं लेगा। वो हॉस्पिटल में क्यों आ रहे हैं? इसलिए आ रहे हैं हमारे पास, अदरवाइज तो कहीं भी लगवा देते, किसी भी शॉप पे लगवा देते, किसी क्वाक से लगा देते। एडमिशन करिएगा, मैं एडमिशन देखूंगा आज कितनी एडमिशन आपकी। आप मेरे से कॉल कॉल मैं बैक कर, बट साथ में कुछ ना।
लोगों के लिए कहा गया, कहाँ लगाया है सिस्टर का नाम और कौन सिस्टर कौन सी डेट पे और कौन सा कहाँ फोन नंबर होगा, पब्लिक को कहाँ से पता चलेगा? हमने पब्लिक को अंधेरे में रखा हुआ है यार, यहाँ यहाँ डेस्क से ही है, काम नहीं करना चाहते, पब्लिक को नहीं बताना चाहते मैं क्या हूँ, मेरी कहाँ से चीज को और कहाँ से मिल रही है, यही नेक्सस है यहाँ। और अपने लोगों के खुद ही गर्दन काट रहे हैं, किसी की नहीं काट रहे। और आपने यहाँ एग्जाम्पल दे दिया, काम करने वाले जो है ना वो देखो, दोनों बच्चे डॉक्टर हैं, MBMS कर रहे हैं, काम करने वाले हैं, काम करके ऐसे ऐसे बोलेंगे, गार्ड से बोलेंगे बहुत मेडिसिन है। कहा भाई आपका रोस्टर यहाँ कुछ नहीं, किसकी ड्यूटी कब क्या है क्या नहीं बताइए, यहाँ का रेड सेट लिस्ट, यहाँ का रेड सेट लिस्ट बताइए, जो डेली कंजप्शन लिस्ट है और जो सिफ्ट कर रहा है, एक तो सिफ्ट लिस्ट है और डेली कंजप्शन। भाई बताइए वो का है सर, वो किसी बताऊंगा कंजक्शन बताइए क्या है, 9 की 10 की क्या कंजक्शन है, कितने पेशेंट थे आपके सर? कल आइए आईपीडी एडजस्टमेंट बताइए आपके, कल की डेट का बताइए आपके, कल की डेट डेट का है 10 है, कल 2 पेशेंट 10 9 को जाते हैं, 9 को 9 को है सर, और दिए घंटा भी है नो को सर, ये वो कंजप्शन है, ये क्या है, ये ड्रग्स मेडिसिन देते हैं ना बंदे को, किसका ये वही कंजप्शन डेली के कंजप्शन जी जी, और ये पेशेंट की एंट्री जी वही है ना जी जी, नो को एक पेशेंट है जी जी, एक दो तीन, और ये क्या है कल संडे सर, ये नाइट को एक पेशेंट आया सही नाइट में, कांटेक्ट नंबर क्यों नहीं लिख रहे, कैसे वेरीफाई करोगे हम ये पेशेंट को ये चीज़ नहीं दी, क्यों नहीं लिख रहे? आजकल कांटेक्ट नंबर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप चाहे एड्रेस लिखो ना लिखो, आप उसका नाम लिखो खाली और उसका कांटेक्ट नंबर लिखो, आपको जरूरत ही नहीं है किसी भी उसका कुछ लिखने की, आप वो लिख रहे हैं उसका एड्रेस बहुत अच्छी बात है, बट मैं कह रहा हूँ कुछ भी नहीं लिखते हो, नाम लिखो और कांटेक्ट नंबर लिखो आगे उसका, तो पेशेंट को वेरीफाई हो जाएगा, या आपने GSS के अंदर उसको सारी फैसिलिटीज दी है कि नहीं है, कैसे वेरीफाई करेंगे? बताइए निकालिए, रात वाला पेशेंट निकालिए, 9 तारीख का क्या दिया इसको बेगम नुसरत बेगम शाइन अख्तर अगर इसका सीरियल नंबर चाहे इसको इधर करिए ना, अब लीक करिए इसका, उसका सीआर नंबर डालिए, उसका उसका सीआर नंबर लीक करिए ना, इसे पेशेंट कैसे आइडेंटिफाई करोगे? मैं कहूंगा ये अलग है, ये शहनाज अलग है, ये शहनाज अलग है, आप कैसे इसको दोनों कैसे मिलाओगे? मैं कहता हूँ ये इसका रजिस्टर नहीं है, मैं कहता हूँ
अब कैसे इसको करोगे इसके साथ पर्ची पे नाम नंबर लिख देते ना, तो कहाँ है वही तो पूछ रहा हूँ। पर्ची नहीं, आपके रिकॉर्ड पे देखना, पर्ची ले गया पेशेंट जी। मैंने रिकॉर्ड चेक करने के आया हूँ, आपका रिकॉर्ड मैं पर्ची चेक करूंगा क्या? पेशेंट के घर जाना है तो एक फोन नंबर होता है पेशेंट को पूछता, दूसरा नंबर दोनों को कैसे मैच करेंगे? ये इसी को दिया आपने, मैं कहूँ किसी और शहनाज को दिया। अगर यही सीआर नंबर आपने इसको ब्लिक किया होता तो बस ये शो कर रहा था कि उस पेशेंट का ये है। कुछ नहीं, ऐसे धड़ा माल चल रहा है, कुछ नहीं, कभी कोई किसी को वैल्यू दिया होगा। यहाँ ये अलग बता रहा है, यहाँ ये अलग बता रहे, बताइए इसका वो डेंट बताइए, शिफ्ट डेंट भी लेंगे सारे कर सकते तो सारी वाले। तो जिसमें आईपीडी जो है जानबूझ के नहीं रखा जाता सर, हमारे पास है तो फिर क्या प्रॉब्लम है? फिर क्या प्रॉब्लम है? रेफर हमारे रेफर हुए, हमारा बात क्यों नहीं, मैं कह रहा हूँ आईपीडी क्यों नहीं है? आईपीडी सर है दिन को जो आती तो ये आईपीडी नहीं ना, ये शो कर रही है ओपीडी में। ओपीडी में एक तो आपका रेवेन्यू जा रहा है, दूसरा आपके पास रिकॉर्ड नहीं मेंटेन हो रहा है, लीगली आपको कोई करेगा कहां से दोगे आप? वो तो है। और कल को ये मरेंगे, पैरामेडिक मरेगा सर, तो फिर खुद में तो ऑफिसरों को पड़ेगा ना। आप रजिस्टर में उनके देख रहे हो क्या चला रहे हैं? तो सारा स्टाफ यहाँ किसी को पता ही नहीं, ना ही प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है, ना ही इनको किसी चीज का पता है काम का। अभी तक आज कितनी है? अलेवन है। तो आप इस महीने का बताइए, बताइए अभी तो फिर ये क्या बीच में क्यों बोल रहे हैं? किसको नहीं लगाई? आप कह रहे हैं आप यहाँ देते हैं, फिर बताइए कार्ड कहाँ देते हैं? विटामिन के वैक्सीन नहीं है, जीरो डोज क्या क्या है? बीसीजी वगैरह नहीं, बोलिए जीरो डोज में क्या आता है? जीरो डोज में क्या क्या आता है? और मैडम क्यों आप लेबर रूम में, किसका काम है? जीएमसी में क्या मल्टीपर्पज बैठी है वहां? लेबर रूम की बात कर रहा हूँ मैं वैक्सीन एमसी सेक्शन में नहीं जाया हूँ, मैं आपकी सेक्शन में आया हूँ। आपका रजिस्टर पे ये देखिए रजिस्टर है ना, इनकम्प्लीट क्यों है? क्यों है बताइए, कौन कौन सी वैक्सीन होती है? जीरो वैक्सीन। तो फिर क्या ब्लंडर कर रहे हैं? आपके बच्चे को कोई ऐसा करेगा या मेरे बच्चे को कोई ऐसा करेगा? आपको ये नहीं पता कि जीरो डोज लेबर रूम में उसको बाहर बच्चा निकालती है उसको क्या डोज देनी है? जब माँ को है पेरेंट्स को अटेंडेंट को हैंड ओवर करने से पहले लेबर में कौन कौन सी वैक्सीन लगा के भेजते हैं नहीं पता। जी ऐसे ना कितनी नौकरी होगी, कितनी नौकरी होगी मैडम? लोकल है, लोकल है, अपने लोगों को क्या दे रहे हैं बताइए? अपने लोगों के लिए तो और भी लोकल में तो 10 दिन में 10 बार हर बंदा मिलता है, उसको क्या जवाब देंगे आप? तो आपको लेनी है ना, यहाँ आपका तो हेडक्वार्टर है, आपका हेडक्वार्टर है भाई, आपको पेशेंट बच्चे को ये वैक्सीन लगा के फिर आपको लेबर रूम से बाहर बाद में बच्चा देना है, हैंड ओवर बाद में करना है, और ये लेबर रूम का काम है। आपको पता है आपको आपको इसमें यूपीएन पे एंट्री करनी है, सिखाया इनको यूपीएन पे एंट्री करने का? वहां तो सिस्टर इंचार्ज है लेबर रूम में, भाई डिलीवरी पॉइंट पे कौन वैक्सीन करेगा? जेसन तो आप करें पोर्टल पे। डॉक्टर साहब ये नोट करिए, किसी भी बच्चे किसी को भी लिंक नहीं लगा, फ्रिज है
भाई कहाँ है ये मैनेज किसने कर रहे हैं? आप उनको पूछ रहे हो, मैनेजर जो है मैनेजर को उनको पूछ रहे हैं, इवैल्यूएशन आप कर रहे हो, हर चीज को इवैल्यूएट कर रहे हो आप। तो आपने कभी आगे सेक्शन पे पूछा क्या है, क्या सिस्टर ने कभी बोला कि मेरे को वैक्सीन लगानी है, मेरे को वैक्सीन दो? एमसीएच का कौन इंचार्ज है? बुलाइए ना, तो मैंने तो बोला आपको बुलाओ, इसलिए बोला था ना ये चीजें मैंने, इसलिए तो है क्योंकि आपकी लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन हर सेक्शन में, हर सेक्शन में लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है भाई। आपको देखना ना बीएमओ साहब के नोटिस में क्या है, जब सारे काम आप लोग कर रहे हो तो आपको सेक्शन देखनी है ना, बीएमओ साहब तो क्या है, बीएमओ साहब तो सारे काम में वो थोड़ी जाएंगे, काम तो टीम ने करना है, मैंने थोड़ी करना है यहाँ पे, बीएमओ साहब तो खाली मॉनिटरिंग करेंगे ना। किसी को ये पर्सनल आप देखिए डॉक्टर समीना कहा है, डॉक्टर समीना को बोला है, डॉक्टर समीना को बोला है, बोला है डॉक्टर समीना को, डॉक्टर आप पर्सनल वो गायनेकोलॉजिस्ट है कि वो मेडिकल ऑफिसर है, ये आपका ये इंचार्ज आप इस सेक्शन से, आप इस सेक्शन को आप पर्सनली मॉनिटर करें, ठीक है। उस वक्त कंडीशन क्या थी, और खाली बेबी नोट थोड़ा सा एक डाल दीजिए तो इम्पोर्टेंट रहेगा। हम क्या एसएमजीएस में जो हमने सीखा है हमने वही डालते थे, बेबी नोट डालते थे कि नहीं डालते थे? एटलीस्ट वो इम्पोर्टेंट पार्ट है, बेबी नोट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बच्चा हुआ फीमेल हुआ मेल हुआ वो तो है, उसके बाद उसके पॉइंट है, अफगार्ड स्कोरिंग कितना हो रहा है, बताइए बुलाइए डॉक्टर को, बुला रहे भाई क्या एक्टिव ही नहीं है, अपने होश ही नहीं है हम लोगों को, जहाँ वैक्सीन देनी होती है लेबरों में कि नहीं देनी होती मेरी बहन, देनी होती है, तो कभी दी आपने वैक्सीन लेबरों में? नहीं दी। आपकी जेएसएम को पता ही नहीं कि जीरो डोज कौन कौन सी लगानी है बच्चों को, बच्चा पैदा होते और लेबर रूम निकालने से पहले वो जीरो डोज लगानी है, और जिस तरह भी आपके देखिए कभी आपने चेक किया आपके इन बच्चों को कहाँ लगाई वैक्सीन? सर हम उधर लगाते हैं। क्यों? दूसरे दिन बुधवार जो अगला आएगा वहां कौन से दिन लगाते हैं जी? वहां कौन से मंडे को लगाते हैं और वेडनेसडे को लगाते हैं, बस दो दिन, दो दिन ऐसे दिन, दो दिन। तो जीरो डोज तो उसी वक्त में लगानी है आपको, उसी वक्त, उसी वक्त। फजल जी प्लीज 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 लेट मी मेरे को जो सेक्शन चार्ज है मैं उसी से बात करूंगा, मेरे को ये देखना है किसको कितना पता है। डॉक्टर साहब आपको जीरो डोज क्या क्या होती है वैक्सीन? हेलो जी नमस्कार, कैसे हो आप? किस आए बिल्कुल ठीक है जी, मैं दरहाल में राउंड कर रहा हूँ, हुक्म करिए जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैं थोड़ा सा राउंड में हूँ, एक मिनट आप नहीं बोले। डॉक्टर साहब क्या क्या लगाएंगे जीरो डोज? आपने साइन कर दिया मेरी बहन, इनको ये बच्चों को ये टीके लगने का, ये ऊपर देखो आलम बने, इनमें से कौन कौन सा लगना था? और क्या लगाते? चलो छोड़िए ऐसे, और क्या क्या लगता है? विटामिन के तो भैया वैक्सीन ही ना, वैक्सीन की बात है, हाँ वैक्सीन कह रहे वैक्सीन। आप बता दीजिए ना डॉक्टर साहब कौन सी वैक्सीन लगते हैं जीरो डोज पे, लेबर रूम में बाहर निकालने से पहले बच्चों को वैक्सीन लगा के भेजना है, कौन कौन सी? हाँ जी, और हाँ जी, और आप बोलिए। और अच्छा हेपेटाइटिस कितनी देर में देने? सर वो जीरो डोज वाले बच्चों को एक मिनट मैडम, हेपेटाइटिस पे कितनी देर में देना? आप कितनी देर में देना मैडम हेपेटाइटिस? सर फर्स्ट कितनी देर में दे सकते हैं? बीसीजी कब तक दे सकते? 24 घंटे के अंदर देंगे। क्या क्या ये बीसीजी और हेपेटाइटिस जो है ये 24 घंटे के अंदर देनी पड़ती है हमें, जो हमारे पास डिलीवरी होती है। हेपेटाइटिस कितनी देर में देना? वो साथ ही देते हैं बीसीजी। कितने टाइम में दे सकते हैं? सब डिलीवरी होते समय 24 घंटे के अंदर देना। ओपीवी? ओपीवी भी साथ देते हैं।
अच्छा बीसीजी बीसीजी भी साथ। अगर नहीं है बीसीजी क्या करोगे? नहीं है तो कितनी देर तक दे दे सकते हैं? सर वो तो हम दे सकते हैं। कितनी देर तक भी दे सकते हैं? और बट आपको एज सून एज पॉसिबल देना है, एक साल भी दे सकते हैं। जी जी एक साल तक दे सकते। तो फिर बोलते क्यों नहीं हो? पता है कि आपकी जैसे इनको पता ही तो किसने लेना, कहां से क्या देना भैया? ये आपका पार्ट है मैडम, ये आपका पार्ट है डॉक्टर साहब, आप साइन कर रही हैं और आप साइन। हमारे रूटीन से ड्यूटी लगती है नाइट। रूटीन में क्या, रूटीन में खाना नहीं खाते हैं? खाते हैं। तो क्या हमें एक ही विटामिन के बोलो, मैंने हम बोलो आपको वैक्सीन लगानी है परमानेंट का नहीं है। यहाँ हॉस्पिटल होगा वहाँ परमानेंट नहीं होता है, कोई भी परमानेंट नहीं है। हेल्थ वर्कर मल्टीटास्किंग है मैडम जी। मलिक मैडम ये एक्सक्यूज मत दीजिए कैमरे के आगे, ठीक है? सीधा मैं सस्पेंड करूंगा और सीधा सस्पेंड करूंगा। जो चीज नहीं पता सीधा बोल दीजिए नहीं पता है। डॉक्टर साहब ऐसे साइन मारने से कोई फायदा नहीं है, आप अपने घर को संभालिए, यहाँ की रोजी रोटी और बच्चों को कमा रहे खिला रहे हैं और अपनी पर्सनैलिटी आप चीज यहीं से रोजी रोजी रोटी है ये, ठीक है? हाँ तो ये ध्यान रखिए, ये आपका ही बच्चा होता, आपकी बहू का बच्चा होता तो आप क्या इनको टीके नहीं लगाने देते हैं? नहीं लगाते तो फिर आपने क्यों नहीं लगाए? क्या आपका अपना नहीं था? इनका अपना ही था, इनका अपना नहीं था, बस हो गया। कब लगते हैं बोलिए, यहाँ नहीं लगते हैं। बुधवार अभी आपके सामने बोल दिया, बुधवार और कौन सा बार? मंडे और ट्यूसडे। तो बस हो गया क्लियर। तो कैसे लगा जो आपको ऐसा लिया लेबर रूम में बाहर निकाल और आपने साइन किया सारे, अभी आप वेरीफाई करेंगे सारा रिकॉर्ड। कौन है यहाँ सैनिटरी का? जानी 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 कौन है सेंटर? सर बोला यार सैनिटेशन का वर्कर 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 जानी जानी कोई एक ही है। बेइज्जती नहीं होती आपको पता, आज पूरी स्टेट में बेइज्जती हो रही है और मेरी बेइज्जती है। अभी तक आपको लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, ओनली लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, लैक ऑफ इंटरेस्ट, lack of commitment. ek gulzar de badr din ke ye sir ye hai wo zimmedar to yahi hai sir. chali doctor sir ek minute pehle baat ko dekhta hu, mere paas samaan nahi hai, mere paas samaan nahi hai, dekh dekha फजील जी ये कहा भाई बायोमेडिकल वेस्ट के कहीं भी आपके पास वो नहीं है, बैग्स नहीं है, बैग्स का है एक्चुअली अपने क्या महीने 40-50 बाल की तो दो दूसरा कहा है? दूसरा कहा है? कोई सामान नहीं है। दूसरा कहा है सामान? बदरदीन कहाँ ग्लव्स पहन रहे हैं? कुछ होने के बाद असिस्टेंट चार्ज सर बाबू जी सफाई वाले को दिए हुए। ये आपकी सेक्शन है ना, इसकी सफाई किसने करवानी थी? कहाँ बैठते हैं सर? बोलते हैं लेकिन करते नहीं है, मानते नहीं आगे से बात, सफाई वाले मानते नहीं बात। कोई भी मैं इनको बोला तो बीएमओ सर क्या करते हैं? सीएमओ सर तो मैं इनको जब स्टोर में हर चीज है दी है तो फिर मानते नहीं है सफाई वाले, कौन नहीं मानता? ये बुलाइए ना इसको, कहाँ गई है बुलाइए। आप इंचार्ज है? इंचार्ज आप हैं? जैसे मैं इंचार्ज हूँ यहाँ के बीएमओ इंचार्ज है और आपने बीएमओ साहब की क्या हालत की और हमारी क्या हालत किया और पूरे हेल्थ डिपार्टमेंट को भेज सकती है किसने? इंचार्ज आप इंचार्ज है, आपको देखना ये पहले इसका लिखिए नाम, इसका नाम लिखिए, ये मेरे को आधे घंटे में सारे जो भी है वो जो चाहिए बता दीजिए, वो दो चाहिए उनका मेरे को दे। ठीक
कैसे होते हैं ये कोई आपने कोई नेम प्लेट नहीं कुछ कहाँ नेम प्लेट कहाँ आई कार्ड है आपका चलो नेम प्लेट तो इंटरव्यू देके आए ना मेरिट से आए ना तो फिर जब सब कुछ सब चीजें आपको पता तो इसलिए आए ना तो फिर आप कर क्यों नहीं रहे हो मैं नेहा का क्या मतलब उसमें नेहा का क्या मतलब नेह का क्या मतलब हो गया जब मैं डॉक्टर बन के आऊँ तो मैं ओपीडी में पेशेंट नहीं देखूंगा बोलूंगा मैं नेह आया हूँ मेरे को पेशेंट नहीं देखना आता है चार बंदों की हालत है चार बंदों का ये चार बंदे आपने क्यों रखे मैं कहूंगा एक बंदा रखिए ना कितनी ओपीडी आपकी 20-25 तो एक बंदा आप अपनी प्राइवेट ओपीडी में पीछे देख लेते हैं एक बंदे से कर लेते हैं आप कुछ भी प्राइवेट तो एक डॉक्टर खुद ही 25 पेशेंट देखता है उसने असिस्टेंट भी नहीं रखा है क्यों क्योंकि पैसे उसको देने पड़ेंगे या चार और पांच और मेरे को क्या जरूरत है इन लोगों को तनख्वाह देने की और जब आपका किडनी ट्रे ऐसी हो गई ये चार बंदों का हां भाई आप इंटरनेट पे दूसरी लीजिए और आपने इसको इसकी ये हालत की है इसलिए ये हालत हुई है घर में बर्तन या डेली का खाना खाते हो डेली थाली बाहर फेंकते हो तो आपकी वाइफ कैसे वो डेली चमका के रखती है एक थाली 10 साल रखती है तो ये क्या है यही से रोजी रोटी कमा रहे हो ना 10 साल एक थाली जो घर में साफ रह रही है इसकी वजह से आपने रिक्वायरमेंट दी है तो इसको साफ करो ना भाई क्यों नहीं हो रही तो हालत कौन है इसकी करने वाला मम्मी इसको इसका इसका नाम लिखो ये कोई ज्यादा लीडर है यहाँ कोई ज्यादा बड़ा लीडर यही है उठाइए इसको यहाँ से इसका एक नंबर इसको देखिए कौन सी विकेट को सब आते इसको कौन सा लगाना है येलो आपका डस्टबिन है लिफाफा कौन सा लगाना है कौन कौन सा इसमें बेस्ट आएगा कितने बेस्ट होने चाहिए डस्टबिन ब्लैक में क्या आता है ब्लैक में क्या क्या डालेंगे येलो में क्या क्या डालेंगे रेड में क्या डालेंगे ब्लू में क्या डालेंगे कहीं हैंड वॉशिंग के आपके पास कहीं भी बोल नहीं लगे प्रोटोकॉल्स कहीं नहीं लगे ओनली डेंटल के चार आपने चिपका दिए बाकी प्रोटोकॉल्स आपके कहीं नहीं कहीं हैंड वॉशिंग के प्रोटोकॉल नहीं कहीं बायोमेडिकल बेस का नहीं फिर 3-4 यहाँ होना चाहिए आपका नीडल डिस्चार्ज आप करते हो कहाँ है कौन सा है डॉक्टर सर ये नीडल कैसे करिएगा कैसे करते हैं क्या डालते हैं
रेड में ब्लू में क्या करें? ये क्या चार्जर आपने बैठा के रखा है क्या भाई? मेरी कोई बेसिस एक चीज होगा डॉक्टर साहब, ये तो चीज हम यूज ही नहीं कर सकते। अब मैं आपको निकालो इसको, बता सुपला खोलो। आपने 2016 की बायोमेडिकल वेस्ट की कभी गाइडलाइन पढ़ी? नहीं पढ़ी, इसलिए आपको पता। यहाँ ये येलो जो आपको आजकल बच्चों की तरह वो कहानियां सुनाते हैं, ये उस पर नहीं बोल पा रहे, तो इनको देखिए कहाँ से पता चलेगा बायोमेडिकल वेस्ट को कैसे वेस्ट किया, क्या करना मैंने इसका, कहाँ के बाकी चार आपके? क्या आज की डेट पे नीडल को जलाना है कि नहीं डालाना? नीडल को डस्टाई कैसे करते हैं? आपका तो डेंटल भी तो नीडल के साथ ही काम है ना, नीडल कैसे डस्टाई करते हैं? नीडल को कैसे डिस्ट्रॉय करोगे? जलाना है कि डिस्ट्रॉय करना है? सबको पता चला है 2016 की गाइडलाइन कह रही है नीडल को नहीं जलाना है, ये इसको तार काटनी है, इसको नहीं चाहिए। आप कटर ओनली उस प्लास्टिक काटने के लिए है। नीडल को खोल के आपने व्हाइट उस डस्टबिन में डालना है, पंक्चर प्रूफ कंटेनर में, कुछ पता ही नहीं है यार, कौन सी दुनिया में बैठे हो आप लोग? 2016 की गाइडलाइन और कौन सी दुनिया में पड़े हो? अभी भी आप फ्यूमिगेशन कर रहे हो, दैट इज अ पोल्यूशन। बायोमेडिकल वेस्ट में वो जला ही नहीं सकते नीडल को, कौन सी दुनिया में? क्या है ये तो कह रहा मैं अभी लगाऊं, कहां गया वो लड़का दूसरा? आप बताइए बायोमेडिकल वेस्ट की गाइडलाइन क्या है? तो आप तो फ्रेश है, आपको तो आना चाहिए सर, बताइए बायोमेडिकल वेस्ट की गाइडलाइन क्या कह रही है? क्या कर रहे वो तो मैं जो बोल रहा हूँ कौन सा किसमें डाल रहे उसको कैसे मैनेज करना है नीडल को किसमें और फिर क्या करना कहाँ और अब तो नए हो इसलिए नए को पूछ रहा हूँ कि नया तो फ्रेश होगा इसको काटिए यहाँ से और पंक्चर प्रूफ वाइट कंटेनर रखिए इधर सही ताकि इंफॉर्मेशन तो आ जाएगी ना कंप्लाइंस के लिए हाँ वो कंप्लाइंस के लिए हाँ जी हाँ जी ऑसिलेटर हाँ ये ऑसिलेटर है यार इन्वर्टर क्या ऑसिलेटर है क्या है ऑसिलेटर कहते हैं इसको इलेक्ट्रिशियन को ये भी नहीं पता कितने के केवी का 15 केवी का तो कब से हुआ ये 3-4 दिन जम्मू में रात गए वो आता रहा सर 500 रुपया वो मेरे को रजिस्टर लागू ठीक है तो ये कैसे क्यों रखा है सर ये बंद ही रखी हुई है ये इस्तेमाल में है नहीं है सर पेशेंट का तो ज्यादा हो पर ये पेशेंट ज्यादा हो तो इसको तैयार करके रखिए ना हां नहीं तैयार ये सर अभी तो बेडशीट इसके उठा दीजिए बाकी इसको तैयार करके साफ करवा कर सर ये इन्होंने काम किया ना ये जो वाले ये बंदे अंदर रहे हैं हां वो डिजास्टर हो गया ना सर्दियों का इसको लिख दीजिए डिजास्टर वार्ड ठीक है सर्दियों की प्रिपेयरनेस के लिए ये वार्ड ठीक है ठीक है तो आपका टेंपरेचर भी ठीक रहेगा बाकी चीजें ठीक है तैयार करवा ठीक है हां जी बड़ा वर्ड हो गया क्यों नहीं कर सकते लेकिन इसको कहीं जंक बना के कोई ऐसी जगह है ना वहाँ बना कर वहाँ फेंको कोई नहीं उठाएगा कोई नहीं उठाएगा अब ऑक्शन का बनाइए आप बनाइए इसको यहाँ से उठाइए गया था तिलदार साहब के पास ये हमारे चांद पे था इतनी अच्छी बिल्डिंग है इसको इनको पानी की पाइप लेके दी है एवरी संडे वाशिंग होनी चाहिए ये देखो आप ये सारा ठीक है सर
अगर एक ही सेक्शन में आपने रखा है इससे दूसरा है रेडिएशन से क्या करेगा और ये लोग भी करेंगे ईसीजी सारी रेडिएशन यहाँ है ये एम्प्लाई को पहले इम्पोर्टेंट है पेशेंट तो है तो किस हिसाब के मैनेजमेंट किया हुआ है इतनी सारी बड़ी बिल्डिंग है क्या प्रॉब्लम है सर अब तो देख नाइट का रूम नहीं है सर डॉक्टर के लिए रूम नहीं है यहाँ पे पहले एक्सरे अल्ट्रासाउंड यहाँ करते हैं पहले सर यहाँ पर ये सब ने मिल के भेड़ा घर खाने के लोगों का और कुछ नहीं है तो शाह फंसी कौन कैसे भी लोग दराल के जहाँ होने के बावजूद भी एप्रन पता कि फिर भी एप्रन किसी का लेके नहीं ये हाल है यहाँ की एट्रोल नहीं है पता है जब आपने किया मेडिसिन की प्रॉब्लम नहीं है तो पता है और यहाँ लाइट नहीं है कहाँ बिल नहीं होता मेरे पास बालक अजीज मैं पेशेंट एक देख रहा था सर ये एक हमारे बाबूजी हैं सर उनके फादर वो क्वाड्रिप्लेजिक वेरी सर नोट करिए क्या नाम है ये है ये की बल से जाता है नाइट में यहां बहुत दिक्कत होती है बोल बम बोला कि वहां एक वहां से भी बड़ी दिक्कत है बहुत दिक्कत जब इस अंधेरा लाइट से सॉरी बहुत ये इलेक्शन का है फिर काल दिया लिख दिया किसका इधर इधर भी लिखो इधर लाइट नहीं है प्रॉपरली लाइट में माइनर वोटिंग में स्टैंडिंग लाइट होनी चाहिए माइनर वोटिंग में स्टैंडिंग लाइट नहीं है स्टॉल में फजील जी फजील जी फजील भाई ये वाली लाइट्स भी नहीं चलती है ओ यार बहुत बात शाम को भी पेशेंट देखना पड़ता है अंधेरे में देखना पड़ता है पेशेंट मोबाइल मोबाइल की टाउन से मोबाइल की लाइट देखना सरकार के ये वॉश के लिए रखी है सर फोन वॉश कर क्या है भाई आपके पास बिल्कुल नहीं किसी भी सेक्शन में नहीं की किसी भी पीएससी में नहीं सर है ना नीचे लेबर रूम में ओटी में है ना एक बाबू का बड़ी लाइट है सर नीचे कोई एक लाइट इनको एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लाइट बिल्कुल है सर देर इज है ना सर ओटी में है नीचे सर ओटी थोड़ा सा अच्छा बनाइए भाई ठीक है मैं लोगों को अच्छा बनाना नीचे ही करते हैं सर यहां पे जस्ट मून वॉश वगैरह करते हैं ड्रेसिंग्स करते हैं ओटी का काम नीचे ही चलता है सर ओटी में यहां पे सिर्फ ड्रेसिंग्स या ओपीडी पेशेंट होता है इमरजेंसी टिकट तो यहां इमरजेंसी सिक्स ट्रेन सर मैम जो इसी से बॉयलर भी बड़ी मुश्किल से ठीक कर करके चलाते हैं बॉयलर की बात नहीं कर रहा हूं मैं बॉयलर को साफ करने की बात कर रहा हूं मैं और किसी की बात नहीं कर रहा और इस बॉयलर में ऐसे इंस्ट्रूमेंट पड़े रहेंगे तो कोई भी आप घर में एक दिन रखिए आपका बर्तन वो पानी भी बर्बाद हो जाएगा यदि इंस्ट्रूमेंट तो क्या है बंदे को भी गल जाएगा वो इंस्ट्रूमेंट तो जड़ेगा खाना में होगी कन्वर यार आप फर्स्ट टाइम बात क्यों कर रहे हैं पहले की आप कितने दिन हो गया आपकी ड्यूटी यहाँ पे लगभग भाई इसका नाम ऐसे बातें करते हो ये फर्स्ट वाला वो बस का वो ओटी वाला कोई अल्टरनेट ढूंढिए यार जी ओटी वाला एमटीएस है ओटी वाला कौन ये एमटीएस है किसने चलाया और केयर किसने करनी थी क्या चला आ रही है नाइट क्या चला बताओ ये बायर जला हुआ है बायर ये जला हुआ है एमटीएस आपका इंस्ट्रूमेंट साफ करेगा एमटीएस को बाकी देख रही है यहाँ
चार इंच सिलाई है, उसको छोड़ के इस कटिंग को छोड़ के ऊपर वाला काम है एमटीएस का, ये नहीं एमटीएस का काम है। आप क्या ओटी टेक्नीशियन है, इसको कहां डाले, कितने ओटी टेक्नीशियन आपके पास? तीन है, चेंज करो जी, इसको कहीं आगे पीछे उठाओ, इसको इसको निकालो, कोई कंडीशन नहीं बनाना, ठीक है अपनी जगह प्यार है, दोस्ती अपनी जगह, बट ये नहीं है, आर्मी का पुत्र हूँ, मेरे को नहीं है, मेरे को पूरा डिसिप्लिन चाहिए। डॉक्टर साहब सर्जन सर्जरियन में हेल्प कर सकता है, सर्जन लेपरो में हेल्प कर सकता है, आप दो सर्जन है यहाँ, मेरे को यहाँ आप सर्जरियन चाहिए और सर्जन का रूटीन इलेक्टिव से जो आपको लग रहा है ये कर सकते हैं कंफर्टेबल, वो चाहिए, और दूसरा मेरे को लैपटॉप चाहिए डॉक्टर साहब, ये आप करो ठीक, रूटीन में फिक्स कर दीजिए आपका डे, ऑलरेडी मेरे एनेस्थेटिस आपको कहाँ से कालाकोट से देता हूँ, फिक्स करिए ना, वो भी जब मेरे को कहता है यहाँ बोलता हूँ आज कितना हो गया, कहना है चौहान सर, उन्होंने लिस्ट ही नहीं रखी है, कोई केस ही नहीं उनके पास सर, बीच में एक दो वीक्स में नहीं हुआ था, क्योंकि बात ये है, मैंने फिर अगेन किया, लोगों का विश्वास नहीं है हमारे हॉस्पिटल में, क्यों, हम लोगों का सिस्टम जो है वो ठीक नहीं है, आप लोग यहाँ काम करिए, लोगों का विश्वास करेंगे, ये ऐसे लोग हैं एक तरफ चार जाने वाले लोग हैं, ओनली एक तरफ जाने वाले, ये वो लोग नहीं थे बिखरने वाले, ये आपने देख लिया मेरे से ज्यादा, हर जगह इनकी एक आवाज़ है, हर जगह तो एक तरफ जाने की, वही की लीडर से बात करके आप एक पेशेंट करके देखिए दो चार, ये सारे यही आएंगे, कहीं कोई नहीं जाएगा जीएमसी में, नहीं जाएगा, वही पेशेंट जाएगा जो जाना पड़ेगा, और मेरे को आप संगीत है नहीं कर पाते कुछ कुछ, मैं इलेक्ट्रिक कह रहा हूँ, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ कॉम्प्लिकेटेड करने का, मैं नहीं कह रहा हूँ आपको, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, मैं इलेक्ट्रिक कह रहा हूँ, इलेक्ट्रिक जो आप कर सकते हैं वो करिए, ठीक है डॉक्टर साहब, बट बताइए मेरे को ये केस चाहिए हर हफ्ते दोनों, बताइए जी, ठीक है डॉक्टर साहब आपको क्या रिक्वायर्ड है, मैं मीटिंग कर रहा हूँ, मीटिंग करने के बाद आपका फीस पड़ रहा है, ठीक है, जो भी चाहिए मिलेगा, ठीक ठीक हर चीज़ मिलेगी, बस आप आपके ऑफिस में लगा रहा हूँ मैं आपके ऑफिस में, ठीक है, ये टैपरिंग हो सकती है, खराब हो सकती है, उसको रखो ना, वो ऑनलाइन आधार बेस है ना, इसको अपने ऑफिस में, चलिए ये हम ऑफिस में अगर वो रहती साहब जब आए ना डी साहब मैं इधर था सफाई कर रहा था, नहीं यहाँ नहीं आए सर, देखिए दवाई की कमी नहीं है भाई, दवाई की कमी नहीं है, मैं द्रहाल में यही चीजें आके मैंने द्रहाल में देखा कि द्रहाल में कहीं ना कहीं किसी पार्ट पे हमारा बहुत अच्छा है, द्रहाल में दवाई की कमी नहीं है, तीन गाड़ियां मैंने, और मैं हर जगह उन कैमरे पे बोलता हूँ कि दवाई की कहीं भी डिस्ट्रिक्ट में कमी नहीं है, कहीं भी हर इंस्टीट्यूट में दवाई, ये आपका पूरा कॉरिडोर काम आ जाएगा, दो वाले दो कमरे खाली करिए, वो हम ठीक है, ये मैंने देख लिया, नहीं नहीं सर मैं अगर रखूंगा ना यहाँ पे तो सर ये खाली हुए, ये जम्मू के लिए मैं तेल ले लिया, पास भी हो गया तेल, गाड़ी जाएगी जम्मू, ये नए जम्मू सर बनाने के लिए, ये खाली हो चुके हैं सर, भरे हुए ये है मेरे पास सर, किधर है भरे हुए, देखो स्टोर की हमें नहीं है, गाड़ी से किसी चीज की कमी नहीं है हमारे पास सर, इधर एक अच्छी चीज सुन मेरी तो नजर देखना सर, मेरे पास ये कहते हैं छुपा के रखे हैं सर, मैंने छुपा रखे हैं, फजीर जी फजीर जी आपकी टीम नहीं ना ठीक है, आप देख लीजिए ना क्या है, उसको थोड़ा सा रिपेयरिंग करवा लेंगे, तो गुत्थी का जो काम करवा करवा लेंगे, मैंने भी तो आपने देखा चौकीदार का कमरा कब से पड़ा था, ठीक है सर, जब से बनाया था हुआ, मैंने आज उसको रिपेयर करवाया और उसी को चला लिया, वही चौकीदार कमरा बना दिया, ठीक है सर, तो इसको इसको स्टोर यूज करिए, जब तक हमारा नहीं होता सारे वहां से जंक सारे खाली हो जाएंगे आपको, और वो जंक यहां का ही आपको फेंक दो, बाकी जो है यहां फेंक दो, कोई नहीं लेगा, कोई नहीं लेगा सर, मैं बता दूं आपको है मैं ऐसे कर दूंगा सर, चोरी यहां पेपर गाड़ी ड्राइवर का है, गाड़ी कितनी रनिंग में, गाड़ी कितनी रनिंग में,
दो हैं सर हमारे पास, अवेलेबल गाड़ी कितनी है? तीन है सर, एक है वो 108 वाली, एक 800, दो है हमारे पास, दो है। और ये गाड़ियों का स्टेटस सर? ये गाड़ियां तो कैसे पड़ी है? कैसे पड़ी है? तीन है कि चार है? चार है, चार ड्राइवर है। शाहदरा में एक ड्राइवर है, दो गाड़ी है। शाहदरा में नहीं है सर, शाहदरा में ठंडा मंडी में एक गाड़ी है, दो गाड़ी है, दो गाड़ी और एक ड्राइवर है जी। एक ड्राइवर। अब ये मलेरिया वाले कहां है? मलेरिया वाला सर एक को तो कंट्रोल रूम में लगाया हुआ है डीसी ऑफ, एक शायद फील्ड में आया ही नहीं, एक फील्ड में आया ही नहीं आज। बुलाइए उसको। मलेरिया वाले कितने हैं? कितने मलेरिया आया ना, मीरा आया। कहाँ है मलेरिया वाले? कितने आपके ब्लॉक में कितने मलेरिया वाले? छः हैं सर, छः हमारे पास, दो ही हैं सर, छः को छः बुलाइए। यहाँ पे दो ही सर, बारह काम करते हैं सर, पीछे ईंटें बजरी सब ये बस सर, पीछे सर काम करते हैं, और साइड यहाँ डलवाते हैं, यहाँ से आते हैं। कैसे? यहाँ से आते हैं सर। देखो लोकल क्या है, मतलब हाजपुर के अंदर से गए सारी कटिंग, आज ही मजदूर लाइए, शाम तक सारी कटिंग करवा के एक जगह डंप करके जलाओ उसको और वहाँ फेंकना सारे, जितना भी ये गंद है, जितनी झाड़ी दिख रही, कुछ नहीं दिखना चाहिए मेरे, ठीक है? चलिए करिए, बुलाइए उनको, छः के छः को बुलाइए, सबको एरिया दे दीजिए, ठीक है? और कहाँ कौन करेगा मोनिटर, इसको मोनिटर कौन करेगा? ये सारी झाड़ियाँ साफ करवाएंगे, ये मलेरिया वाले, सारा मच्छर इसकी वजह से हो रहा है सारा गंद। आप लेबर लगाइए, सफाई कर्मचारी लगाइए, मैं दूंगा पैसे। सर एक रिक्वेस्ट और भी है ना, हमारे जो पैरिश में जो सब सेंटर पे सफाई वाले उनको हम कॉल करेंगे। सारे कोई नहीं, ये आज मलेरिया वाले छः लगेंगे, पहले ये भी बुलाएंगे, उनको भी बुलाएंगे, ठीक है? बड़ा काम करने वाला है, ठीक है? कोई बात नहीं, वो बात की बात है, आज से काम करेंगे। चलिए आप काम करिए, लाइए बंदे, चलिए लाइए बंदे। आसिफ जी आप रोल बनाइएगा, कितने लेबर लगा रहे हैं? 311 के हिसाब से, लेबर के हिसाब से उनको पैसे दीजिएगा, तो अपने भी बंदे लगाइए, ठीक है? हाँ रियली में मैंने आज से 10-20 साल पहले जो पुराने बाबूस को देखता था, और रियली मेरे को आज यहाँ दिखने को मिला, और उस दिन भी जिस दिन मैं फर्स्ट टाइम यहाँ आया हूँ, तो मैं फजील जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि बाकी बाबू जो आपके हैं इनकी मीटिंग करिएगा, और डेली बेसिस पे इनको ऐसे रजिस्टर मेंटेन करवाइए, चाहे वो स्टॉक रजिस्टर है इनके, सब स्टॉक रजिस्टर है, चाहे डेली बेसिस पे जो इनकी कंजप्शन है, और इनको प्रॉपरली एक वो बताएं, ताकि हम गैप्स को फिल कर सकें। ठीक है सर। पॉपुलेशन हमारी इधर हाल पॉपुलेशन बहुत अच्छी है, पेशेंट बहुत अच्छा है, पब्लिक बहुत अच्छी है, ओल्डिंग कहीं ना कहीं हमारी लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन से आ रही है, और कोई ज्यादा इशू नहीं है, और मेडिसिन की सप्लाई तो देख लिया कि कहीं गवर्नमेंट ने इतनी दिया कि हमारे पास जगह भी कम पड़ गई है, इतनी सप्लाई हमारे पास। ठीक है सर, थैंक यू।